नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से केएल राहुल ने बेहद ही शानदार पारी अफ्रीका में जाकर खेली है और केएल राहुल की इस पारी की बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही हैं, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने, विराट कोहली ने केएल राहुल की इस तूफानी 122 रनों की पारी की तारीफ की है। तो वहीं मैं आपको बता दूँ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी केएल राहुल की इस पारी की तारीफ की है। तो क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को जरूर ध्यान से और अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, केएल राहुल जिस के शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इससे एक बात साफ है कि साउथ अफ्रीका को अगर भारत को हराना है तो पहले केएल राहुल को ही शिकार करना होगा, वरना इतना आसानी से साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया को हरा नहीं सकती है। जिस तरह की केएल राहुल शानदार फॉर्म में है, ये इसका जीता जागता उदाहरण भी है। अब इसी बीच में आपको बता दूं एक बार फिर से, जहां केएल राहुल ने अफ्रीकी जमीन पर 122 रनों की पहली पारी में दमदार तूफानी पारी खेली है, इसके बाद साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों में केएल राहुल का कहर देखने को मिल रहा है और इसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ केएल राहुल की तारीफ की है बल्कि उन्होंने बताया कि जिस तरह से केएल राहुल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इससे किस तरह से देश का नाम रोशन हो रहा है, इसलिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। जी हां, आपको बता दें, केएल राहुल की 122 रनों की तूफानी पारी देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से केएल राहुल अफ्रीका में जाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ये रियल में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बाकी के खिलाड़ियों को भी केएल राहुल का साथ देना चाहिए और इससे ना सिर्फ केएल राहुल अफ्रीका में जाकर अफ्रीका को हराकर आएंगे बल्कि 29 सालों से अफ्रीका में भारत का कोई सीरीज ना जीतने का रिकॉर्ड भी केएल राहुल तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उससे टीम इंडिया बहुत अच्छे से इस मैच में जीत हासिल करेगी और टीम इंडिया आने वाले टाइम पर साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हराएगी। मैं आपको बता दूं, सेकंड पारी में भी केएल राहुल अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं और उन्होंने 5 रन बना दिया है, जबकि टीम इंडिया को मयंक अग्रवाल के रूप में एक झटका लग चुका है और मयंक अग्रवाल बहुत ही जल्दी आउट होकर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी केएल राहुल के होने से विराट कोहली और तमाम खिलाड़ियों में एक उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका इतना आसानी से इस मैच को जीत नहीं पाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी के ही दम पर और केएल राहुल के 123 रनों की तूफानी पारी के दम पर बहुत बड़ी बढ़त बना ली है अफ्रीका पर, और उसके बाद मोहम्मद शमी ने जिस तरह की शानदार गेंदबाजी कराई है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका का जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है और टीम इंडिया ने अभी तक बहुत बड़ी बढ़त भी बना रखी है। अब अगर आज के दिन केएल राहुल अच्छी परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो इससे टीम इंडिया इस मैच को बहुत आसानी से जीत भी जाएगी और टीम इंडिया आगे भी निकल जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम बहुत बुरी तरह से हराने वाली है, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ये भी कमेंट करके बताना कि अब केएल राहुल दूसरी पारी में कितने रन मारने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।